विश्व के लोग हमारी ओर आंखें किए बैठे हैं कि भारतवर्ष से ही उनका उद्धार होने वाला है, आज तक नहीं पा सके। और हमारी यह हालत है कि एक साधारण सद्व्यवहार जो होता है वो भी नहीं। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हृदय में बसे हुए शिव स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा के बारे में बताऊंगी आज, लेकिन सोचती हूँ कि आखिर में बताऊंगी जब सारे ही चक्र बता चुकी, वो अच्छा रहेगा। हालांकि उनको पहले से आखिर तक अपनी दृष्टि वहीं रखनी चाहिए, बाकी जो भी चक्र हैं एक उनके चक्र को जानने से ही ठीक हो जाते हैं। इन तीन हृदय चक्र के तीन हिस्सों से ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र इसके जहाँ पे हमारा कंठ होता है इसके बराबर पीछे में ये चक्र होता है। अब इसके लिए आप एग्जैक्टली नहीं किसी के लिए कह सकते कि ये यहीं होता है, क्योंकि ये बड़ी ही सूक्ष्म चीज़ है, थोड़ा ऊंचे नीचे होता ही है जैसी जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है और जैसे जैसे उसका फॉर्म होता है वैसे ही इसके चक्र की भी स्थितियाँ उस तरह से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, कभी कभी एक इंच का भी फर्क होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बराबर उस जगह ही होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का और भी नीचे होता है। बहरहाल ये कंठ जहाँ पे है इस कंठ के पीछे में यहाँ पर यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए, जानवरों में ये चक्र इतना बढ़ा हुआ नहीं, ना ही इतना वो प्रगल्भ है। मनुष्य की शुरुआत ही इस चक्र से हुई है, समझ लीजिए पूरी तरह से। इस चक्र में श्री कृष्ण विराजते हैं और राधा जी उनकी शक्ति है। राधा, रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा की। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाले, जिन्होंने कृषि की है, आप सबकी कृषि उन्होंने की, आपके अंदर इन्होंने बीज भरे, उन्होंने पहले बीज आपके अंदर भरा कि उस अनंत को जानिए, परमात्मा को जानिए, परम तत्व को जानिए। इसका बीज उन्होंने भरा, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। ये चक्र मनुष्य में तब घटित हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर पूरी तरह से उठा ली। आप जानते हैं कि जानवर की गर्दन नीचे होती है, उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम कह सकते हैं चिंपैंजी या बंदर की लंगूर वगैरह जो जातियां हैं उसमें भी थोड़ी बहुत गर्दन ऊपर आ जाती, लेकिन मनुष्य की गर्दन जो बिल्कुल सीधी हो गई है ऐसे किसी भी प्राणी मात्र की नहीं। ये गर्दन सीधी होने की वजह से ही मनुष्य की स्वतंत्रता स्थापित हो गई। वो किस प्रकार मैं आपसे बताती हूँ। ये विशुद्धि चक्र से ही हमारे दो ईगो और सुपर ईगो नाम के बलून तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानवर की आकृति ऐसी आती है, ऐसी जाती, फिर नीचे चली जाती है। जो भी चेतना उनके अंदर आती है वो फिर से पृथ्वी की ओर झुक जाती है। लेकिन मनुष्य ने जो ये ऐसी गर्दन ऊपर उठा ली और उसने अपने अंदर जिम्मेदारियां महसूस करनी शुरू कर दी, तब वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसका ईगो बढ़ता है। अब ईगो शब्द अहंकार से लोग बहुत घबराते हैं। अहंकार मेरा मतलब नहीं है, अहम भाव, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। अहम भाव सब में होता ही है, होना आवश्यक ही है। हर इंसान में अहम भाव न हो तो वो जानवर हो जाए। प्रति अहम भाव भी
हमारे अंदर उठता है और लेफ्ट साइड से आके और माथे यहाँ फॉन्टेनेल बोन होता है वहाँ तक आ जाता है, और अहंकार का भाव भी लेफ्ट साइड से उठ के इधर आ जाता है। अब देखिए, चढ़ते वक्त तो राइट का लेफ्ट जाता है और लेफ्ट का राइट जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। इन लोगों ने उसके अभी गति नहीं दिखाई, लेकिन ये विशुद्धि चक्र से इसकी शुरुआत होती है। अब अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर लोग आपको दवा दे देंगे, कहेंगे आपका गला खराब। अगर राइट विशुद्धि खराब है, जो कि रुक्मिणी जी का स्थान है जहाँ विट्ठल रुक्मिणी है, उसका तो इलाज दवा से हो जाएगा, पर जिसका लेफ्ट साइड खराब होगी उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि से प्रति अहंकार उठता है। यह कंडीशनिंग से होता है, जो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई उससे होता है। जैसे कि एक बच्चा, मैंने बताया था, माँ के पास है, दूध पी रहा है, आनंद में है। जब माँ उसको बदलना चाहती है तो बच्चे में अहंकार जागृत होता है कि ये क्यों हमें सता रही है, या ऐसे हमें क्यों इन्होंने बीच में दखल दी, डिस्टर्ब किया। और जब माँ उसे कहती कि चुप रहो, ऐसे नहीं करते, तो उस पे जो उसके संस्कार पड़ते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, उसके कारण उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, होता है। अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है, तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भावना आ जाती है, जिसे कहना चाहिए अहम भाव, कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आईनेस। हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा ये नाम है, उनका ये नाम है। अगर छोटे बच्चों से आप बात करिए तो हमेशा थर्ड पर्सन में वो बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ। जैसे हमने मुन्ना से कहा कि बेटे अब तुम जाओगे कि नहीं, नानी ये मुन्ना नहीं जाएगा, बहुत जिद्दी है, थर्ड पर्सन में बात करेंगे। माने उनका जो है सामंजस्य उस मुन्ना नाम से नहीं हो पाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करेंगे कि ये नहीं मानने वाला, ये बड़ा जिद्दी है, माने ये दूसरा है कोई मुन्ना, और ये जो मैं हूं ये अलग है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे इसकी ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं, घनी होती जाती हैं, और उतना ही वो अलग हटते जाता है उस विश्वव्यापी शक्ति से। अब जानवर जो हैं वो इस विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार ही हैं, लेकिन वो इस मामले में चेतित नहीं है, माने उनमें अवेयरनेस नहीं है इसकी। आप अंतर एक समझ लें कि आपको वो चेतित करने के लिए ही परमात्मा ने इस तरह से इस शेल के अंदर डाल दिया, समझ लीजिए, या इस एक अलग व्यक्तित्व में ढाल दिया, हर एक का व्यक्तित्व अलग बना दिया, कि आप अपनी स्वतंत्रता में परमात्मा को खोजें, अच्छाई को खोजें और उसी को माने, इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे कि यह क्या ज़रूरत थी, परमात्मा को चाहिए था, लोग बहुत से कहते भी हैं कि सीधे सीधे डायरेक्टली उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं दे दिया, जानवर से उठा के मनुष्य को एकदम से रियलाइजेशन दे देते हैं तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। लेकिन उत्क्रांति की, एवोल्यूशन की एक दशा तक तो परमात्मा कार्यान्वित होते हैं और सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बिच्छू होएगा तो वो शेर की चाल नहीं चलेगा, और अगर सांप होगा तो सिंह की चाल नहीं चलने वाला, उनका स्वभाव जो है वो वैसा ही बने रहेगा, वो नियत रहेंगे, उसी पे नियति पे चलेंगे।
उनका जो कुछ भी आप कंडीशनिंग करेंगे उस पे चलेंगे, वो कंडीशनड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी के मुताबिक वो रहते हैं। लेकिन एक मानवीय ऐसा है कि उसके अंदर गीदड़ भी होएगा और उसके अंदर सांप भी होएगा और सिंह भी होएगा और शेर भी होगा, राक्षस भी होएगा, भगवान भी होएगा, एक मनुष्य ही है क्योंकि वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो फ्री है, उसको चाहे तो वो बुराई करे और चाहे तो अच्छाई करे, चाहे तो वो बिच्छू बन जाए और चाहे तो वो शेर जैसे गरजे। अब ये स्वतंत्रता परमात्मा ने इसलिए दी कि आपको अगर परमात्मा को जानना है तो बगैर स्वतंत्र हुए आप जान नहीं सकते, आपकी स्वतंत्रता में ही आपको परमात्मा को जानना है, आपको हिप्नोटाइज करके परमात्मा को आप जान नहीं सकते, जबरदस्ती यह काम नहीं हो सकता, आपको अपनी स्वतंत्रता में ही कहना चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। और इसकी वजह से ही आपकी ब्रेन की आकृति ही त्रिकोणाकार हो जाती है, जानवर की ब्रेन की आकृति फ्लैट होती है, आप देख रहे हैं त्रिकोण बना, और इस त्रिकोणाकार आकृति की वजह से ही आप में बहने वाली शक्तियां चार होकर के बहती हैं, क्योंकि प्रिज्म के जैसा होता है, जैसे कि पिरामिड होता है उस तरह के होता है ब्रेन, इसीलिए ये चार इसमें शक्तियां बहने लग जाती हैं। जैसे मैंने कहा, तीन तो शक्तियां आपकी जो मैंने बताई हुई है, ईड़ा पिंग जो मैंने और सुषुम्ना है, और पीछे में वो है जो हमने आज तक इंसान के रूप में कमाया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चारों शक्तियां हमारे अंदर इसलिए बहने लग जाती हैं कि हमारे अंदर तीन पर्थ, पिरामिड आपने देखा उसके तीन साइड्स होते हैं, प्रिज्म के तीन साइड्स होते हैं, और उसका एपेक्स एक होता है, उसका एक शिखर होता है जिसे कि कबीर ने शून्य शिखर कहा, उसके अंदर से कुंडलिनी गुजर के और इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यही कुंडलिनी उसके सर पे मंडराती रहती है और उसके सर से निकल जाती है, वही इसको गाइड करती है और आत्मा भी उसके साथ, वो आत्मा, वो कुंडलिनी और हमारे अंदर के चार तत्व, उसमें से पानी का तत्व भी धीरे धीरे घटते ही जाता है, पृथ्वी तत्व गिर जाता है, इस प्रकार जीवात्मा तैयार होके और मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर है, उसको हमने एक अजीब तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जब ये दोनों भी अहंकार और प्रति अहंकार बैलेंस में रहते हैं और आपके भवसागर के हिस्से में आप धर्म पे रहते हैं तो कुंडलिनी का उठना बिल्कुल ज्ञात नहीं होता और एक क्षण में इंसान पार हो जाता है, एक क्षण के अंदर, और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पार हो गया, क्योंकि मैंने आज ही बताया कि जो एरोप्लेन बहुत ही स्मूथ होता है उसमें आप बैठे रहिए आपको पता नहीं चलता कि आप प्लेन में चल रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन होते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि आप उसमें चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, माने पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी लेफ्ट साइड की स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल नहीं करते। एक तो आजकल के युग में किताबें छपने का एक धंधा निकल गया, उसको लगता क्या है, छाप खाने, आपके पास पैसा है आप अपने किताबें निकालिए, किताबों पे किताबें, हर एक चीज पर, विशेषता भगवान पर और धर्म पर हजारों किताबें लिख डाली, उसमें से अधिकतर
अनधिकार है, अनधिकार बिल्कुल। गुरु नानक जी के समय में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हर तरह का आदमी छापा दे रहा है, उसी वक्त उन्होंने समझा था। इसीलिए उन्होंने जितने रियलाइज सोल्स थे उन्हीं की किताब ले करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ो और इसमें जो लिखा है वैसे आप व्यवहार करो। लेकिन उसमें भी घोटाला ही है, आप जानते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। बाइबल लिखा गया उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ है। कुरान लिखा गया उसमें भी गड़बड़ियाँ हो गई। क्या वजह हो गई? क्योंकि हमारे अंदर इन किताबों से जो सुसंस्कार आने चाहिए थे वो आने के जगह कुसंस्कार हम लोगों ने ले लिया। वो इस प्रकार, हालांकि दोष कोई आप निकाल नहीं सकते उसमें, लेकिन इस प्रकार जैसे समझ लीजिए हम कहें कि उनका एक भजन है काहे रे बनखो जन जाए, उसमें उन्होंने कहा है कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब इसे ज्यादा और क्या वो कहते भाई कविता में, मतलब एक सादी बात कह रही कि आप सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए और इससे ज्यादा कुछ कहा जाता है? लेकिन अब वो बैठे रट रहे, नहीं तो अखंड पाठ करा रहे। अब जब मैं कहती हूँ कि नानक साहब से ज्यादा तो किसी ने साफ और लिखा ही नहीं है, और उसको भी लोग इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई उसको आपा चीने बगैर होता नहीं। समझ लीजिए आपके सर में दर्द है, हम लिख दें कि आप एक दवा ले लीजिए अनासिन दवा ले लीजिए, समझ लीजिए, तो आप रटे जा रहे हैं अनासिन ले लो, तो क्या आपका सर दर्द जाएगा? इससे ज्यादा साफ और कुछ लिखने की बात है ही नहीं। हाँ कृष्ण ने जरूर गीता में बहुत चलाया है, उसके भी अभी बताऊंगी मैं कृष्ण की बात। तो इस तरह से रट रट करके हमारी हम विशुद्धि खराब कर लेते हैं, लेफ्ट विशुद्धि। ये कंडीशनिंग है। फिर किसी किसी को मंत्र बोलने की बड़ी आदत है। एक साहब आए कहले मैं गायत्री बोलता हूँ, मैं कहा किसने कहा आपसे बोलने को? कहले माता जी मैंने किताब पढ़ी, मैंने बोलना शुरू कर। अरे भाई किताब पढ़ी, किसने लिखी, क्या पढ़ी, गायत्री की तुमको जरूरत है या नहीं, क्यों बोल रहे हो गायत्री, गायत्री का क्या अर्थ है, कुछ समझ रहे नहीं, मैं तो गायत्री बोलता हूँ। और मेरे से भी बोल रहे तो भी गायत्री बोल रहे, वो चुप ही नहीं हो सकते। सबसे अच्छा उदाहरण इसका हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं। वो ऑक्सफर्ड स्ट्रीट में इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी शर्म आती उनके ऊपर में, धोती साड़ी पहन करके, ना धोती पहनाती ना साड़ी पहनाते, और वो बोदियाँ खरीद खरीद करके लगाते हैं और सबसे रुपया ले ले करके बड़े बड़े होटल बना करके होटल चला रहे हैं। वो तो जो भी करें करें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात दिन वो बोलने से उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट हो रहा है और मेरे पास आते फिर ठीक कराने के लिए। तो फिर ये पूछते हैं कि माँ हम तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप करें कृष्ण कृष्ण यहाँ बैठे हुए, फिर हमारा क्यों खराब हो गया? तुमको किसने अधिकार दिया इतनी बदतमीजी करने का वहां जा करके ऑक्सफर्ड स्ट्रीट में, इस तरह से उनको ऐसे चीपली इस तरह से बोलने का? क्या वो आपके क्या नौकर हैं? फिर कैंसर ऑफ द थ्रोट हो गया तो समझ में नहीं आता उनको अब कैसे ठीक करें। इसी तरह से मंत्र का प्रकार है, जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते, बताइए। कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है यह, इसकी बारीकी है। अब आजकल तो यह धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है, उसके लिए गुरु काय को चाहिए? और फिर उनको पैसा देने को काय को चाहिए?
करोड़ों रुपया इन लोगों ने बना लिया मंत्र दे दे करके, आपको मालूम है करोड़ों रुपया? क्या आपने गवर्नमेंट में, मुझे पता नहीं कायदे कानून में इंसान के मैं समझती नहीं हूँ, क्या ऐसा कोई कायदा नहीं कि ऐसे बेवकूफ़ बना करके कोई आदमी करोड़ों रुपया बनाए तो उसको पूछना चाहिए कि भाई ये मंत्र क्या दे रहे हो? तो ये मंत्र देना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं? जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नज़र रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी ज़िंदगी बिताता है, उस आदमी को किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज़ लेना महापाप है। मंत्र तो अधम चीज़ हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं, जैसे जाइए वहाँ पे बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए, शब्द सेवा हो गया। भाई कहाँ से कोई चीज़ का हिसाब जोड़ना चाहिए? ये सेवा के लिए है, किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पड़ गया, पकड़ गया राम का और विशुद्धि लेफ्ट, क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, दो चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम एक ही चक्र पकड़ता है, पर वहाँ इतना जोर बांधता, मैंने बताया आपको कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का, बहुत डेंजरस चीज है। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है चले गले में पहन के चल रहे, ये बड़ी सेंसिटिव चीज है और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस महाराक्षस हैं, सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए, किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दोरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखे तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि यह परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में क्या है? लोग पूछेंगे कि माँ क्या मंदिर सही है? हाँ सही है, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जैसे कि अष्टविनायक हैं, ज्योतिर्लिंग है, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो कावा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर। जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज है। एक छोटी सी जगह है मुसलवाड़ी करके, जहाँ पर हमारा सहजोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है, हाय गांव छोटा सा। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए, और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दें धरना, जिसे कहते हैं आप डैम, और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या? तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइया। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ पर ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाए। ये अपने आँख से देखने की चीज़ है।
जब मैंने जाके वाइब्रेशंस देखे तो बहुत ही ज़्यादा आदिशक्ति का ही वहाँ पे हुआ है, और इसीलिए मुसलवाड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग भी चल रहा, कितने वाइब्रेशंस हैं उसमें। लेकिन इसको समझने के लिए रियलाइज सोल होना चाहिए ना, बगैर रियलाइजेशन के आप कैसे समझेगा किस चीज़ में वाइब्रेशंस है किस में नहीं। मैंने आपको कश्मीर का किस्सा बताया था, फिर से मैं आपसे बताती हूँ। मैं कश्मीर गई थी तो एक जगह एकदम से मुझे बहुत वाइब्रेशंस आए, तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई यहाँ कोई बड़ा भारी मंदिर है या कोई चीज़ है, यहाँ पूजा अर्चा कुछ होती है कुछ? उसने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो उसने कहा यहाँ से 2 मील दूरी पे एक मुसलमानों का स्थान है जिसे हजरत बल कहते हैं, अभी भी कहते साथ वाइब्रेशन खड़े हो जाते हैं, ये मोहम्मद साहब की महिमा है। और नाम लेते ही मेरे तो बदन कांप उठता है, नानक साहब का कोई ग्रंथ साहब का भी नाम कहते तो बदन में से धड़ 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 वाइब्रेशन शुरू हो जाते। तो मैंने कहा चलो वहीं चलो, फिर मुझे वहीं जाने का है। मेरे पति कहने लगे कि वहाँ तुम्हें जाने कौन देगा, मैंने कहा चलिए तो सही। आश्चर्य, किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर तक चली। तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए जिसका कि आपको पता लगना चाहिए, वो तभी लग सकता है जब आपकी आत्मा की आंखें खुलें। जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलती आप धर्म को नहीं समझ सकते, ना परमात्मा को समझ सकते हैं, ना ही उस विश्वव्यापी शक्ति को जान सकते। अब देखिए इस जगह आप कुछ लग रहा है कि कोई चित्र वित्र है, कोई नहीं देख रहा कोई चित्र है, वो दिखता नहीं ना आपको। आप यहाँ टीवी लगा दीजिए, अभी आपको टीवी में चित्र आ जाए। इसी प्रकार है, जब आपका कनेक्शन हो जाता है तब आपके भी अंदर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। सब चीज सर्वव्यापी वो शक्ति है, लेकिन आपके अंदर अभी तक उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में बात करना सब बेकार, बिल्कुल बेकार बात। उस शक्ति को प्राप्त होना चाहिए, उसमें समा जाना चाहिए। आत्मा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य इतना अधूरा रह जाता है कि वो कुछ भी हाथ पैर टांग मारे कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये विशुद्ध चक्र पे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में इस संसार में आए थे, जो कि विराट। जब श्री कृष्ण संसार में आए थे तब विराट की शक्तियाँ कार्यान्वित हुई। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि शिवजी का काम है हमारा एग्जिस्टेंस बनाना, हमारा अस्तित्व बनाना, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी से होता है, और ब्रह्मदेव का कार्य है कि सृजन करना, क्रिएशन बनाना। शिवजी कभी अवतरित नहीं होते, एक बार हुए थे लेकिन होते नहीं है, समझ लीजिए वो क्या होना न होना बराबर ही था उनका। ब्रह्मदेव एक बार हुए थे, आपको आश्चर्य होगा, हजरत अली के रूप में हुए थे, किसी ने उनको पहचाना नहीं, मुसलमानों भी उनको पहचाना नहीं। एक ही मर्तबा ब्रह्मदेव ने अवतरण लिया था, और अवतरण सिर्फ विष्णु का होता है, विष्णु तत्व का होता है। वही बार बार अवतार लेकर के और आपको इस संसार भवसागर से पार कराते हैं, वही अनेक बार इस संसार में आते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं, आपकी लीडरशिप करते हैं। ये जो तत्व है इसी तत्व के कारण आप इवॉल्व हुए हैं, यही उत्क्रांति का इवोल्यूशनरी तत्व है। अमीबा से भी इंसान आप इसी तरह से बने, क्योंकि वो धर्म की धारणा करते हैं और हर एक चीज़ का धर्म बदलते बदलते इंसान के धर्म पे वो आ जाते हैं, यही आपका मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म पूरी तरह से तभी प्लावित होता है जबकि वो आत्मा से प्रबुद्ध हो जाए। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इस विशुद्धि चक्र में मानव विराट के संबंध से जुड़ जाता है। जैसे आपने मेरे और हाथ किया है, अब इस हाथ करने में बैठे ऐसे हाथ करके अच्छा रहेगा, इसी हाथ से जो एक नाड़ी आती है यहाँ और यहाँ, ये विशुद्धि चक्र में होती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं हाथ से, देखिए मनुष्य का हाथ और जानवर का हाथ बहुत ही अंतर है,
जानवर के पास तो हाथ पैर में कोई अंतर भी नहीं है। मनुष्य का हाथ कितना सुंदर है और कितना सुबक है और इसमें कितनी ज़्यादा कला कौशल्य है, कभी हम इसको समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना इस हाथ का कमाल है कि इस हाथ से मनुष्य चाहे तो न जाने क्या क्या बना के रख दे, पर इन हाथ को हमने मैला कर दिया। इसी से हम दूसरों की मृत्यु कराते हैं, दूसरों को सताते हैं। जो हाथ परमात्मा ने सुख और आनंद देने के लिए बनाए हैं, उसी हाथ से हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको ज़रा बारीक चीज़ें समझने की कोशिश करें, विराट और हमारा संबंध। विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांस पेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है, उसका जो अग्रभाग होता है उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता, उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती। थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। ज़रा ठहर जाइए, आप अब मन ये देते हैं सबका ध्यान वहाँ जाएगा, क्योंकि चित्त अभी लोगों का स्थिर नहीं है। आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते। ज़रा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात। चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है इस मॉडर्न ज़माने में, बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है तब कहीं जा करके ये चीज़ बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते, तो आप ज़रा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और ख़त्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर ख़त्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं, और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पर चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम चाहे उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड। विचारों पे हम कूदते रहते हैं, एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है, इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं। कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह उसे हम नहीं पकड़ पाते। ये दोनों ही चीज़ विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती हैं, ये विशुद्धि चक्र से ही होता है। उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है, लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया कि ऐसे हाथ रखना चाहिए, सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में पांच चक्र हैं। आप किताब ले लें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूं। इस चक्र में स्वाधिष्ठान चक्र है, जो कि आपको दिखाएंगे यहाँ, ये स्वाधिष्ठान चक्र। पहले मूलाधार से शुरू करें, ये मूलाधार चक्र है, ये स्वाधिष्ठान, ये नाभि, ये हृदय और ये विशुद्धि।
कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता, ये विशुद्धि चक्र है, और ये आज्ञा और ये सहस्त्रार है, और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहाँ पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है, पैर के बारे में बाद में बताऊं। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपथेटिक जो चक्र हैं, जो लेफ्ट और राइट सिंपथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो हैं सिंपथेटिक, ये लेफ्ट है राइट है, ये जब घूमते हैं इस तरह से, और जब बहुत ज़्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज़्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज़्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज़्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है, और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से, कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूँ। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं पागलपन होता है, ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके एक दो बताएं चुटकुले कैसा होता है। कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटिक असालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे, तो उनका कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा भाई ये कौन है पहचाना तुम, कहले कौन, कहले जवाहरलाल जी हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, तो कहले ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था। दूसरे मैंने आपको पीए साहब की बात बताई थी कि कोई साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, वहाँ एक पीए साहब बहुत कूद रहे थे, वो किसी से ठीक मुंह बात ही ना करें, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों कूद रहे हैं, क्या बात है, आप इतने नाराज़ क्यों होते हैं। देखिए चित्त को जल्दी जल्दी ना हटाएं, हम बात कर रहे हैं ना इधर ही रखें, कोई इधर बात कर दे उधर बात कर, चित्त को हटाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडलिनी को मैं चला रही हूँ, बात कर रही हूँ लेकिन कुंडलिनी हटा रही हूँ, आपकी विशुद्धि साफ कर रही हूँ। हाँ तो कैसे लगे कि आप उछल कूद क्यों कर रहे हैं, कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ, कहले हमको क्या पता था आप पिए हुए हैं, हम नहीं आते थे, आप माफ़ कर दीजिए जा रहे अपने घर। तो ये बिल्कुल बंदर की आदत है, बिल्कुल बंदर हो जाते हैं। और आपने पढ़ाई होगा रामचरितमानस में भी, रामायण में भी वर्णन है कि नारद मुनि को एक दिन ईगो हो गया तो कैसे बंदर हो गए थे, अंत में उनका ईगो कैसा उतारा गया। तो ईगो ओरिएंटेड जब आदमी होता है तो भगवान बचाए रखे उसे, आपको अगर इस रास्ते से आता हो तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, क्योंकि वो तो घोड़े पर सवार होते, उनको तो होश नहीं रहता, वो सोचते कि हमसे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में। तो इस चीज़ की वजह से आदमी जो होता है आर्बिट्ररी हो जाता है, माने उसके देवता टूट गए, वो अकेला ही अपना दौड़ता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। हिटलर इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, और बड़ा वो उसको लगता है कि मुझसे बढ़ के अच्छाई कोई कर ही नहीं सकता, सब अच्छाई मैं ही करता, अगर मैंने जूस को ख़त्म कर दिया तो बड़ा भारी धर्म कार्य कर दिया, अगर मैंने सबको गैस चैम्बर में मार डाला तो इससे भी बड़ा मैंने धर्म कार्य, अगर मैंने जर्मन रेस को उठाना चाहे तो बड़ा ही धर्म कार्य। उसके समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाता है, माने वो कैंसर का एक सेल हो जाता है। कैंसर भी इसी तरह से हमारे अंदर बनता है, कैंसर हर समय हमारे अंदर बनता है और टूटता है। जैसे कि ये मैंने आपसे दिखाया ना, अब कोई से भी आपकी गति ज़्यादा हो जाए सिंपथेटिक की, लेफ्ट या राइट, कोई सी भी ज़्यादा गति हो जाए तो उस गति के चलन वलन से देवता सो जाते हैं, उसके बाद आप अलग हो गए चाहे जो करिए, अब वो सेल्स मैलिग्नेंट हो गए। अगर अतिकर्मी आदमी होएगा तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्य में लगा हुआ है, और कार्य करते वक्त में उसने देवता से संबंध नहीं रखा, छूट गया, जैसे छूट जाएगा उसमें कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो मैलिग्नेंट हो गए ऑन देयर ओन। इंग्लैंड में तो हर एक आदमी है, और पाश्चिमात्य हर एक आदमी ऑन देयर ओन है, 11 साल का बच्चा हो गया ऑन देयर ओन,
बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरे कमरे में माँ बाप पहले ही छोड़ देते, कमरे में कुत्ते बिल्ली सुलाते हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। कुत्ते बिल्लियों को ज़्यादा प्यार करेंगे, बच्चों को कमती कर देंगे। अजीब तरह की हालत है वहाँ। वहाँ सब लोग ऑन देयर ओन, हम लोग भी सोचते हैं कि ऑन अवर ओन होना चाहिए। ये बहुत गलत कल्पना है बच्चों के मामले में। लोग सोचते हैं बच्चों खराब कर रहे हो, क्या इतना उनका दुलार। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए। जो बच्चा माँ बाप का प्यार पाता है वो दुनिया में बहुत प्यारा होता है और उसको सब प्यार करते हैं। हाँ, उसको गंदी आते नहीं। तो एक साहब ऐसे थे, वो हमसे कहने लगे, साहब मेरा लड़का 12 साल का, मैं बड़ा फ्री आदमी हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या किया आपने? कहले उसको मैंने बियर की बोतल दे दी, कह दिया तेरे दोस्तों को बुला के ला, जो करना है कर। मैंने कहा वाह भाई वाह। उनको धर्म तो सिखाना ही होता है, क्योंकि जो धर्म बच्चेपन में सिखाया जाएगा उससे उसका लेफ्ट साइड ठीक रहेगी, सुसंस्कार होंगे। इस पर फ्रॉइड साहब का कहना है कुछ मत सिखाओ, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं, कुछ नहीं सिखाओ तो सिर्फ ईगो बढ़ जाए। सुसंस्कार बच्चों को देने चाहिए, बड़ों को बताना बेकार है। आज हमारे बच्चों को देखिए आप, इनके क्या संस्कार हैं। छोटे बच्चों के सुसंस्कार करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बच्चों को अपने घर में रख के उनके सुसंस्कृत करें। जो बच्चा बचपन में ठीक रहता है उसको रियलाइजेशन भी जल्दी होता है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, वो आदमी ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे और बड़ा यशस्वी भी दिखे, लेकिन आप उसके घर में जाके पूछे तो या तो उसके बच्चे या उसकी बीवी बताएंगे कि बड़ा ही कड़क आदमी है, बड़ा अजीब तरह का दुष्टता है इसके अंदर। इसलिए बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, जिससे उनका ईगो और सुपर ईगो बना रहे, ठीक से बना रहे, जिससे उनको बैलेंस रहे। ईगोइस्टिक कल्पना दूसरी चीज़ होती, जैसे मैंने कहा अहम भाव कि मैं ही ये करके दिखाऊंगा, मेरे ही हाथ से ये होगा। आपने विराट से अपने को अलग कर लिया। इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से कह रही थी कि भाई एक परमात्मा भी है, श्री कृष्ण है, उनके हाथ में दे दो ना थोड़ा सा काम, वो इसको कर लेंगे, देखो कैसे करता। ये बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए। या तो निठल्लू होंगे और या तो वो अहंकारी होंगे। बीच में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप निठल्लू हो जाइए। जो मनुष्य परमात्मा का होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है बाह्य में। जैसे आप हमें देखिए तो आप कहेंगे माता जी आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, हमको समझ में नहीं आता किधर क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य को देखिए तो एक एक पत्ते में रंग बदलते रहता है। आप सूर्य से पूछो तो कहेगा भाई आपको तो मालूम नहीं, हम तो अकर्म में बैठे हैं, ये तो हमारे अंदर से ज्यादा अपने आप हो रहा है, घटित हो रहा है, हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्यान्वित होता है सूर्य ही। एक उदाहरण लीजिए, यह सूर्य नाड़ी की ही बात मैं कर रही हूं और सूर्य का उदाहरण है। यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई, श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं, गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है ये। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम। पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जा, साक्षी हो जा। तो वो पूछते हैं अब यही है ना समझी, उन्होंने ये पूछा इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो
तो उन्होंने आंख लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे उनकी यह हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए, एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लियो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा। तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज है, आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। ये एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और आदमी इस चक्कर में आ जाए। हो ही नहीं सकता ये। जब तक आपके अंदर ईगो है तब तक ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करते रहो फल परमात्मा पे रखो। हाँ लोग कहेंगे कि हम ये माता जी हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा पे छोड़ते हैं, झूठ बात है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर में ईगो भी बना हुआ है, सुपर ईगो भी बना हुआ है। आप कहें माता जी मैंने किताब पढ़ी पर मेरे पे असर हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ दो चार का नहीं होगा पर एक दो का तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर सुपर ईगो बना है, ईगो बना हुआ। अब एब्सर्ड कंडीशन डाल दी उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं हम सारा कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़े, और लोग कहते हैं इतने ही अहंकारी आदमी है कि भगवान बेचारा कहे। तो परमात्मा पे छोड़ना तभी घटित होता है, ये घटना है, जब कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद देती है, जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं होता। अब पार होने पे लोग कैसी बात करते हैं, आप देखिए वहां जा रहा है आ रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका नहीं बन रहा है, कुंडलिनी फंसी हुई है, थर्ड पर्सन में बातचीत शुरू हो गई। कोई ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी, इनके चक्र मैं ठीक कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। इनका ये पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, ये अब खुल गया, थर्ड पर्सन में बात होती है। आप नोटिस करिएगा, आपका अपना बेटा होएगा अगर पार नहीं होगा तो नहीं है पार, कोई नहीं कहेगा कि ये पार है, अपने यहां तो उल्टे उसूल है। अपना अगर बेटा है तो उसको दुनिया भर का दे दो और दूसरे का बेटा चाहे मरे, इसमें अगर चाहे तो भी आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वैसी चाहत आने का मतलब ही समझ में आ जाता है ना, कि कुंडलिनी जगह नहीं उठती तो आप क्या करें, बेटा होगा तो होगा, अब हम क्या करें। हम अमेरिका गए थे, हमारे साथ एक गए थे वहां गुजराती, उनकी बीवी मुझे कह ले माता जी मेरे लड़के को जरूर पार करा देना। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो तुम, पार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो तुम जानती। नहीं पर करा देना माता जी, आपकी इच्छा होगी तो। मैंने कहा मेरे तो कोई इच्छा नहीं, तुम जानती हो, तो तुम्हें इच्छा करो तो अगर हो गया तो हो गया, देखो। जब वहां पहुंचे तो वो साहबजादे पार नहीं हुए, तो बहुत दुखी हो गई माता जी ये पार नहीं हुए। मैंने कहा बेटे तुम ही सर्टिफिकेट दे दो कि पार हो गए, मैं क्या करूं, तुम तो खुद पार है। कहले झूठा सर्टिफिकेट कैसे दूं। मैंने कहा यही है कि सहज योग में आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, चाहे आपका बेटा हो। वैसे लोग अपने बेटे को झूठा देते, सब झूठापना कर सकते, अपने बेटे के लिए मार खजाना भरते रहते, इसमें आप नहीं भर सकते हैं, इसमें बेटा शेटा नहीं चलता, इसमें कोई रिश्ता नहीं चलता है, सिर्फ परमात्मा से रिश्ता चलता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता है वही पा सकता है और बाकी नहीं पा सकते। आपकी भी कोई पूर्व संपदा होनी चाहिए, अगर आपके बेटे की कोई पूर्व संपदा नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप छोड़ दीजिए उस चीज, बिल्कुल छोड़ दीजिए, जब वो आएंगे तब होंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप कोई फोर्स नहीं कर सकते, यही कर्मवाद की बात है कि जब कृष्ण ने कहा कि कर्म करो और फल छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता, ये एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, जरा गहरी बात है, क्योंकि आज तक हम दूसरी बातें सुनते आए हैं कि भाई कर्म करो परमात्मा पे छोड़ो, भले लगे भजन गाने सब लोग, कर्म करो फल परमात्मा में, कैसे। तो परमात्मा ने यही कहा, श्री कृष्ण पिता स्वरूप थे, कि चलो चलने दो थोड़ी देर, 6000 वर्ष पहले आपको पढ़ा, अभी तक आप वही रट रहे वही रट रहे। लेकिन हम माँ हैं, माँ कहती बहुत हुआ, आप इनको असलियत बता दो कि ये हो नहीं सकता, बेटे सामने ले आओ घोड़ा, ये सब झूठी बातें हैं, छोड़ो इसको क्या रखा है। क्योंकि मनुष्य झूठ पे पहले चलता है, ये मनुष्य की विशेषता है,
सच पे कम चलता है। अभी मैं दो सिंग लगा करके और बैंड बाजा लगा के कुछ प्रोग्राम करूँ तो बहुत लोग आ जाएंगे, पर अगर कहा कि यहाँ रुपया पैसा नहीं लेते तो बेकार ही होगा, फिर किसी काम का ही नहीं होगा। पैसा ही नहीं लेते हो माता जी तो क्या 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 देंगे, जब पैसा नहीं लेती तो उनके पास है क्या, उनके पास कुछ नहीं तभी पैसा नहीं दे। अब बिल्कुल सीधी शादी है और उनकी शादी वादी हो गई, बाल बच्चे हैं, कोई संन्यास का कपड़ा नहीं पहने, कुछ नहीं, तो वो क्या देंगे आप? जब तक कोई झूठ आप ला दिए नहीं तब तक इंसान उसको मानता नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ पार होने पे होता है। फिर आप किसी चीज का भी अपने ऊपर ना तो कोई उपकार लेते हैं और ना ही कोई उसका आप हिसाब जोड़ते हैं। अब कोई कहे कि माता जी आपने आज तक कितने लोगों को ठीक कर दिया, मैंने कहा भाई पता नहीं। आज ही एक देवी जी आके मुझसे नाराज हुई कि आपको पता ही नहीं कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं और कितने फॉरेनर्स आए, मैंने कहा आज भी मुझे पता नहीं है। अब क्या इसका हिसाब लिखते बैठी रहूं कि कितने लोगों को प्यार दिया? पता है आप लोग प्यार तो समझते हैं ना, कि कितने बच्चों को निवाले खिलाए, सो प्रेम का जब कार्य होता है तब उसमें कोई भी उपकार नहीं बढ़ता, कोई उपकार नहीं होता। हम प्यार करते हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं, जो भी जिसे आप कार्य कहते हैं, हम तो प्यार ही कर रहे हैं, क्यारे वारे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है प्यार करने को और आपको अगर कुछ उसमें लगता है कि आपको मिल रहा है तो हमारा ही लाभ है उसमें। जब विराट के आप अंग अंग प्रत्यंग हैं, अगर आप हमारे हाथ उंगलियां ही हैं तो अगर इस उंगली में चोट आई और हमने इसे रगड़ा तो हमने किस पे उपकार किया? हमने तो अपने ही ऊपर उपकार किया है, इसमें रगड़ रहा है तो इसे ठीक नहीं करें तो जाए कहां। तो इसमें उपकार का सवाल ही कहां आता है, कहे सब पे उपकार करो, ये इतनी भ्रामक कल्पनाएं हैं मनुष्य के अंदर। बहुत से फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सबका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, मिशन ये वो, तुम कौन होते भैया उपकार करने वाले? बिल्डिंग बना दी, भूखों को खाना दे दिया, भाई तुम कौन होते? तुम तो एक बीज भी नहीं उगा सकते। पर अगर कोई आदमी से कहो कि नहीं, ऐसा कहो कि ये हमने परमात्मा के लिए जो उन्होंने दिया वही हम कर रहे हैं, तो कहेंगे जरूर, लेकिन वो घटना जो होगी वो ईगो ओरिएंटेड ही होगी, वो नहीं छूटता जब तक आप पार नहीं हो जाइए। ये बात सही है, इसको मान लेना चाहिए, माने आप सूक्ष्म में वो बैठा रहेगा ईगो आपका, अब मतलब जड़ में भी बहुत होता है। कोई साहब है वो अपनी किताब छपाते हैं, उसमें अगर उनका नाम भी जरा सा मिसपेल हो जाए तो उनके बाप दादे खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ाई करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें मनुष्यों ने बनाई हैं जिससे आपका ईगो खूब पैम्पर हो, जैसे कि एक हूज हु किताब है, उसमें आपको लिखेंगे साहब आपके बारे में हम छापने वाले हैं, लोग हाँ 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 मैं क्या हो गया, फिर वो कहते कि हाँ लेकिन किताब की कीमत सिर्फ 100 पाउंड है या 50 पाउंड है, वो 50 पाउंड आप भेज दीजिए आपको हम छपा देते। वो सोचते वाह 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 मेरा नाम हूज हु में छप गया, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया और आप अपने ईगो में फंस गई, ये आपकी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार सारा फिलान्थ्रोपिक वर्क है, क्योंकि जिसने वो किया वो भी पकड़ में आ गया और जिसके लिए किया वो भी पकड़ में आ गया। अब आप कहिए क्या माता जी सारे ही बंद कर दें फिलान्थ्रोपिक वर्क? ऐसा भी सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि यह सब बंद कर दें इनको फिलान्थ्रोपिक वर्क, मेरे से अगर पूछे तो बंद ही कर दीजिए और सहयोग में लगाइए सबको पार कराइए, सारे फिलान्थ्रोपी छोड़ के सबको पार कराइए। आप बीमारियां ठीक करते हैं खट से इसमें बीमारी ठीक होती है, अभी यहाँ बैठे इनसे पूछ लीजिए, एक सेकंड में चीज़ ठीक हो सकती है सहयोग में आने से। कोई सी भी बीमारी हो, हम कहते हैं कि हर तरह की बीमारी सहयोग में ठीक होती है, सिवाय 2-4 बीमारियां हमने देखी जो नहीं थी, अधिकतर बीमारियां इसमें ठीक हो जाती। तो आप कहे कि फिलान्थ्रोपी लेके बैठे हो पर इसमें आप पैसा नहीं ले सकते, इस पे डॉक्टर लोग फिसल जाएंगे।
आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपको दिमागी जमा खर्च है, या हो सकता है कि आप वाकई में पागल हों, तो भी आप सहयोग में आइए, आपका पागलपन ठीक होता है, पचासों पागल भी ठीक होगा। आपको शांति नहीं है, आप परेशान हैं, आप सो नहीं। कल एक स्त्री आई थी, आपको मालूम है, यहाँ आधे घंटे बैठी रही, वो कितने साल से सोई नहीं, एमडी हैं वो, एमडी हैं। अब उनको इतनी जोर की नींद आई कि यहाँ से उठ नहीं पा रहे, कहीं यहीं सो जाते, अब हम तो इतनी नींद आने लगे। ये सब चीज़ सहयोग में घटित हो सकती, क्योंकि वह समय आ गया है ये सब चीज़ को आप प्राप्त करें। लेकिन अपने अंदर ये ईगो इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, हालांकि वो बाह्य से नहीं दिखाई देगा। कोई कोई लोग ऐसे बड़े ही नम्र होते हैं बाह्य से देखिए तो, लेकिन अंदर उसका सटल जो असर होता है कि उनकी कुंडलिनी जो है वो बार बार खिंचती है, ऊपर चढ़ाते हैं फिर खिंचाती, ऊपर चढ़ाते हैं फिर खिंचाती, और उसका प्रवाह जोर से नहीं चलता है। और जब आप अच्छे से पार हो जाए, हमारे ऐसे लोग हैं आप जानते हैं, इन्होंने हजार हजार लोगों को ठीक किया, हजार हजार लोगों को, एक एक आदमी सिर्फ यूँ ऐसे करके, हाथ देके, वाइब्रेशंस देके, चक्र ठीक कर। तभी जो कृष्ण ने कहा था कि कर्म का फल परमात्मा में छोड़ो नहीं तो और कहाँ छोड़ो, हालत ही यह हो जाती है और किस पे छोड़ेगा आप, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर से बह रहा है। आप लोग भी क्या कहते हैं, हमारे अंदर आ रहा है, आप ये तो नहीं कहते कि माँ हमारे हम अपने अंदर ला रहे हैं। वो शब्द ही चले जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, घटित हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है, नहीं बना। भक्ति में भी बहुत कृष्ण की कमाल है, इसको समझना से खुश हो रहे हैं, हालांकि हम बता रहे हैं आपसे, सबके विशुद्धि चक्र खोल रहे हैं। दूसरी उन्होंने कमाल की, उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ है हमें आप दे दीजिए, ठीक है, लेने के वक्त तो ठीक, देने के वक्त क्या बोलते, बहुत एक शब्द पे रचा के रखा है सब, वो शब्द आप लोग नहीं पकड़ पाए, अनन्य भक्ति करो, अनन्य, जब दूसरा कोई नहीं होता, जब तुम ही तुम हो जाते हो, माने रियलाइज होते हो, तब भक्ति करो। अब इस शब्द पे पकड़ा, लोग कहते हैं हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं, अरे भाई ये अनन्य भक्ति कैसे, फिर रो क्यों रहे हो? कबीर थे अनन्य भक्ति वाले, जो ये घिघिया के रोते हैं भगवान कब मिलोगे, जो सेपरेशन के कवि हैं वो क्या अनन्य भक्ति करेंगे? मुझे तो बड़ी घबराहट हो जाती बाबा इन लोगों से, इतने रोते हैं कि मानो जैसे आंख निकाल के उसे धो के निकाल के फेंक दी, इतने घिघियाने की क्या जरूरत है। उनका अनन्य भक्ति करो, जब अनन्य में उतरो तब भक्ति करो, तो फिर कबीर की वाणी होगी, नानक की वाणी होगी। तब ईसा मसीह जैसे लोगों की बातचीत होगी, ये लोग अथॉरिटी से बात करते, द्विधा नहीं रहती इनमें, पूरी अथॉरिटी के साथ में कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कबीर को कोई नहीं मानते, विशेषकर हमारे हिंदी के जो कवि हैं, जो कि रोना ही पसंद करते हैं, वो सूरदास और कबीर का वर्ण दोनों में कंपैरिजन करके कहते हैं कि इनकी सधुक्कड़ी भाषा है, और सूरदास जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मधुर है, मैं तो कहूँ बहुत रोने हैं। उन्होंने ही खुद लिखा है सुरसागर लिखने के बाद, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदला, उन्होंने कन्फेशन दे दिया कि अभी अविद्या में बैठे। लेकिन हम क्योंकि बिरह में हैं, हमें बिरह वाले कविता अच्छी लगती। जब आप बिरह से उठ जाते तो आपको बिरह वाले लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लगता है ये क्या रो रहे हैं बाबा सुबह से शाम तक। जैसे कोई शादीशुदा अभी नई शादी हो गई हो और उनको कोई पड़ोस में मर जाए तो कैसा बुरा लगता है, कहाँ से मनुष्यत आ गई, वैसा ही लगता है। फिर आदमी को मजा आता है ज़ेन पढ़ने में, खलील जिब्रान को पढ़िए आप, पार होने के बाद खलील जिब्रान को पढ़िए, सारा सहयोग है खलील जिब्रान, ज़ेन पढ़िए, ज़ेन तो पूरा ही सहयोग है। फिर आपकी रुचियाँ बदल जाती है साहब, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, आप एक दूसरे तरह से दुनिया को देखने लगते हैं। पहले आप मांगते हैं फिर आप देते हैं, अभी आप मांग रहे हैं, इधर आके बैठ के दीजिए। ये जब घटना घटित होती है
तभी आप साक्षी हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि आपको साक्षी हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए मानते हैं कि उनके लिए सारी सृष्टि एक लीला मात्र थी। रामचंद्र जी ने भी सारा नाटक ही खेला था, पर वो इतना बढ़िया नाटक खेला कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो साक्षी नहीं थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा गया। लेकिन ये नाटक है पूरी तरह से श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण को पूर्णावतार मानते हैं कि वो पूर्णावतार हैं, उनके लिए सारी कुछ लीला ही है। सहयोग के बाद आप भी साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। आप देखते हैं वहां अच्छा नाटक चल रहा है साहब, क्योंकि आप हैं ना, तो आगा सोचते ना पीछे, आप देख रहे हैं, चलने दीजिए नाटक। स्थिर बुद्धि होके आप देखने लग जाते हैं। आप नाराज भी हो तो भी आप अंदर नाराज नहीं रहते, अंदर से आप देखते रहते हैं कि हम कैसे नाटक खेल रहे हैं नाराज होने का। कृष्ण का संहार भी वैसा ही है, सारा ही लीलामय। संहार भी करना ही पड़ता है। बहुत से लोग हैं अहिंसा का अर्थ ये लगते हैं कि मच्छर को भी न मारो, खटमल को भी न मारो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, आपको नहीं मालूम। एक ब्राह्मण को पकड़ के ले आएंगे, उसको एक झोपड़ी में रखेंगे और उस पर सब खटमल छोड़ देंगे, और खटमल उसका ये खा ले, सोचते वाह हमने कितना अहिंसा का महत् कार्य किया। अब ये बताइए, रियलाइजेशन क्या खटमलों को देना है या मच्छरों को देना है? इनको बचा के क्या करने वाले हैं आप? अहिंसा सिर्फ मनुष्य की होती है, जानवर की अहिंसा का कोई मिजार था आज तक समझ में ही नहीं आया। हाँ, कोई कोई जानवर खाने से नुकसान होता है इसलिए वो नहीं खाइए, वो दूसरी बात। पर जानवर को मार देने से वो तो उत्क्रांति के पथ पे आ जाता है, जिसे कि हलाल कहते हैं, जिसे कि हलाल। अब बैठ के कोई मारते रहे तो वो तो हिंसा की चीज़ है, वो तो आप किसी भी चीज़ को मारें तो आपके अंदर हिंसा, उसे आप निकाल रहे, वो बात दूसरी हुई। लेकिन कोई हिंसा के लिए नहीं जानवर को मारता। एक आदमी दूसरे आदमी से जब कटुता व्यवहार करता है तो वो कम से कम 100 गैया खा लेता है, समझ लीजिए। अब गाय है, गाय के प्रति हमारा इतनी श्रद्धा है, क्यों गाय के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा क्यों? कोई खास जानता नहीं इस बात को, ये बहुत ऊंची बात है। क्योंकि गाय आदिशक्ति का अवतरण एक बार सुरभि के रूप में हुआ था गाय के, उस बात की याददाश्त के लिए हम सब गायों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इसमें अवतरण लिया हुआ। सुरभि का नाम शायद आप लोगों सुना, मैंने तो, आप तो बहुत मॉडर्न है, हम तो बहुत एंशंट आदमी। सुरभि नाम की एक गाय थी, उसने सबसे प्रथम 35 करोड़ देवता अपने अंदर बिठाकर आदिशक्ति का अवतरण गाय स्वरूप में हुआ था, इसीलिए हम गाय को देवता मानते हैं अब भी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष की गायें घरों में बंधी रहती है, उसी का दूध हम पीते हैं रोज, माँ के जैसे उन्हें देखते, इसलिए मानते। पर इंग्लैंड की गाय बिल्कुल भैंस जैसे दिखती है, बिल्कुल भैंस, उसको किसी भी प्रकार से आप गाय नहीं कह सकते। मेरे बच्चे आए थे तो मुझे कहने लगे कि नानी, यहाँ की जो गाय, यहाँ की जो भैंसे हैं, ये सफ़ेद कैसी है? हिंदुस्तान की गाय एक विशेष चीज़ है, क्योंकि सुरभि का इस संसार में आने की वजह से उन सब में ही वो देवत्व आया हुआ, इसलिए हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है। और यहाँ की गाय का एक रूप ही बड़ा सौम्य होता है और सुंदर होता है, इसलिए हम गाय का जो है व्यर्ज मानते हैं, वो हिंदुस्तान और भारत के लिए ही सीमित है, ये आप बात जान लीजिए। इस तरह की अहिंसा आप मत चलाइए, लोग भूखे मर जाएंगे। ग्रीनलैंड में, जहाँ की कहने को ग्रीनलैंड है और एक भी ग्रीन पत्ता उन्होंने नहीं देखा बेचारों ने, वहाँ से एक मेरे शिष्य आए थे, आई थी लेवी जी, वो मुझसे कहने लगे माँ लोग कहते हैं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो, हमारा तो वेजिटेबल ग्रो ही नहीं होता, तो भगवान ने हमको ऐसे कर्ज जगह क्यों भेज दिया? मैंने कहा उसमें कोई हर्ज नहीं, ये सब कल्पनाएं हमारे अंदर इतनी जटिल हो गई हैं, इससे बचना चाहिए। इससे हम सारे मुसलमानों को काट देंगे, सब ईसाइयों को काट देंगे, बहुत से हिंदुओं को काट देंगे, जापानियों को काट देंगे, रशियंस को काट देंगे, सबको काट के, सिवाय थोड़े से बमन, वो भी चोरी छुपे खाते होंगे, इसके सिवा और कोई नहीं जुटने वाला, ये गलत बात है। हाँ, शराब जरूर, शराब बिल्कुल गलत चीज। जैन लोग हैं मच्छर को नहीं मारेंगे और शराब पीते हैं, शराब जरूर चीज है। और आजकल तो एक, आप जानते हैं पूना में एक दुष्ट राक्षस जैसे बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत से अंग्रेज लोग जाते हैं,
इनको मैंने भेजा था, इनमें से एक लेखिका हमारे साथ आई कि जाके देख के आओ क्या करते हैं। ये बता रही थी कि बेचारों का हाल खराब है। एक तो सबको वहाँ सब्जी खाने को देते ज़बरदस्ती, अब ये लोग सब नॉनवेज खाने वाले लोग तो वैसे ही भूखे मरते हैं। उसमें वो कहते हैं कि नमक नहीं डालो और फिर उबली हुई खाना दो, तो कह लगे कि सब ऐसे दुबले पतले हो गए, हालत ख़राब, लत्तड़ पत्तड़। और नौ नौ घंटा हर एक से वो काम लेता आदमी, एक आदमी वो सब्जी ही काटते रहता, उसका हाथ तक छिल गया 9 घंटे। अब जब वो आदमी बिल्कुल ही कृश हो गया और उसकी बिल्कुल ही दशा खराब हो गई, तब उस पर भूत पार दो, खत्म। वो अपने गले में माला डाले, वस्त्र पहने, घुमा करता और उसका सारा पैसा खींचो। बड़ी बड़ी औरतों को बेवकूफ़ बनाया ये करके, ऐसा लस्तम पस्तम बनाया, और ये बड़े बड़े लोग करते हैं। मैं आपको सबकी पोल पट्टियाँ बताऊंगी एक दिन, उस पर भी एक दिन लेक्चर करना चाहिए। ये लोग जो अपने को बड़े भारी धर्मात्मा समझते हैं, अब लामा लोग आप सोचते हैं बड़े धर्मात्मा, मुझे आज तक एक नहीं मिला। धर्मात्मापना जो है ये अंदर की चीज होती है, इसमें इस तरह से लोग कठोरता करते हैं, इतनी कठोरता करते हैं कि मनुष्य के साथ इतनी कठोरता और जानवर के साथ इतना ज्यादा प्रेम। एक मनुष्य जो है हजारों योनियों में से गुजर के मनुष्य बनता है, उसके अंदर इतने चक्र बनते हैं, उसके पांव के धूल के बराबर भी हजारों जानवर नहीं होते। इतनी बड़ी ये चीज है, उसको तो आप दुख देने में, तकलीफ देने में, उसके साथ में परेशानी करने में जरा सा भी आपको समय नहीं लगता है। और मच्छरों की आपको फिक्र है और खटमलों की आपको फिक्र है, मुंह पर पट्टियां बांध के लोग घूमते हैं, बेवकूफ कहेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद, दूसरों की जिंदगी बर्बाद, ये करने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको चीज खाना पसंद नहीं है, आप उसको उसको नहीं पसंद करते, नहीं खाइए। आपको जो चीज पसंद है वो खाइए, जो आपको सूट करता है प्रकृति को वो खाइए, वो दूसरी बात है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जबरदस्ती लोगों पे करना कि उनका खाना पीना हराम हो जाए, वो भूखे मरे, ये कौन सा बताए, कौन सी शराफत है ये? मैं कहती हूँ ये एक तरह का एग्रेशन ही है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाइए, वो दूसरी बात होती, लेकिन जबरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े रहे। सबका डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट होता है, और ये आपको विशुद्धि चक्र से पता रहता है। निरक्षीर विवेक है तू, संस्कृत में एक श्लोक है कि निरक्षीर का विवेक जब होता है, जब पानी और दूध का फर्क आता है, तब हंस जो होता है वो सिर्फ दूध पी लेता है, और जो बका होता है, बगला होता है, उसकी समझ में नहीं आता, वो दूध भी पीता है पानी भी पीता है, उसको समझ नहीं आता। तो निरक्षीर विवेक है तू, हंसा हंसा हबका हबका, निरक्षीर विवेक होना चाहिए। आप कोई चीज का एकदम स्टैंप नहीं बना देना चाहिए। बुद्धि से आप समझ सकते हैं, थोड़ा निरक्षीर करें। और सबसे बड़ी चीज है दया, आपस में मनुष्य में दया दया होनी चाहिए। दयालुता मनुष्य पे पहले करिए ना, और दया करने में भी लोग उपकार समझते हैं। अगर कोई मोटर में एक बार लिफ्ट दे दे तो सोचता है मेरा गुलाम हो जाए। दयालुता जो है ये भी बड़ा अंदर का गुण है। मैंने आपसे कल बताया था कि जब आदमी जागरूक होता है तो उसमें दया आ ही जाती है। जैसे कि जब फूल खिल जाता है तो उसमें से सुगंध और सुरभि बहने लग जाती है और सारा वातावरण सुरभित हो जाता है। इसी प्रकार जब आदमी जागरूक हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, उसके लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ कस्तूरी रख दें तो कोई कसम खाने की ज़रूरत थोड़ी कि यहाँ कस्तूरी रखी, आप खुद ही समझेंगे कि हाँ यहाँ कस्तूरी है। पर किसी की नाक बंद हो तो उसे क्या किया जाए? नाक भी बहुत बंद हो गई आजकल लोगों की, तो भी आज तक मनुष्य उतना नहीं गिरा है कि सच्चाई को नहीं पहचाने। थोड़ी देर चक्कर काटता है और फिर सच्चाई पे आ ही जाता है। यह भी श्री कृष्ण का ही वरदान है। सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो श्री कृष्ण के ही चक्र से होता है, और उन्होंने वो चक्र अपना बढ़ा के यहाँ रखा। अब इस चक्र का कोई नाम नहीं दे सकते कि वो श्री कृष्ण का ही यहाँ पर गुजरा हुआ, उनके हाथ ही हैं समझ लीजिए जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, हंसा इसे लोग कहते हैं। लेकिन ये चक्र होता है, ये चक्र जब खराब हो जाता है तो आदमी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। वो उसी का सब चक्र है जो श्री कृष्ण है।
तो वो विराट है और वो लीलामय है, वो लीला करते हैं और हम उस उनके अंग प्रत्यंग हैं। जब हम जागृत होते हैं तब हम उनसे एकाकार होते हैं और तब वो हमें कार्यान्वित करते हैं। उन्हीं को मोहम्मद साहब ने अकबर कहा है। इसीलिए यहाँ का मंत्र एक बहुत सुंदर मंत्र यह है कि दोनों उंगलियां कान में डाकर ऊपर हाथ करके अल्लाह अकबर कहें। जिस जिस का यह चक्र पकड़ा हो उसका एकदम खुल जाएगा। पूना में बहुत बमनोक से करवाया मैंने यह उंगली श्री कृष्ण की है। इसी से उन्होंने गोवर्धन पर्वत पकड़ लिया था, इसी उंगली पर वो अपना सुदर्शन घुमाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में इतनी मिथ्स हैं और इतनी उनके बारे में गलत फहमियाँ हैं, उसमें से कुछ मैं चाहूँगी कि आपके सामने बयान करूँ, क्योंकि आज उनका ही थोड़ा सा उद्घाटन हुआ है। एक तो सबसे पहले ये कि 16,000 उनकी पत्नियाँ थी, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जेक्शन है। वो तो योगेश्वर श्री कृष्ण थे, योगेश्वर थे। आपको तो किस्सा पता होगा कि एक ऋषि के पास कुछ औरतें जा रही थी, उनकी पत्नियां, पांच पत्नियां थी, वो उनके पांच पंचमहाभूत। तो नदी चढ़ाई जमुना तो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, कृष्ण से कहा कि हम उस पार कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या मुश्किल है, आप नदी से पूछिए, नहीं तापी, तापी नदी के, नदी से कहिए कि आप अगर कृष्ण योगेश्वर हो और उन्होंने किसी भी स्त्री का संग न किया हो तो आप नीचे उतर जाइए। तो नदी नीचे उतर गई। लोगों ने कहा देखिए झूठ बोलने की भी हद होती है, ये हमारे पति हैं और ये क्या कह रही। और उस पार चली गई। जब ऋषि जी का उन्होंने बड़ा ही भारी सत्कार किया, उनको खाना पीना दिया, खूब खाया ऋषि जी ने बैठ करके। जब लौट के आई तो उन्होंने पूछा, देखा कि नदी फिर चढ़ गई, तो जाकर उन्होंने ऋषि जी से पूछा कि अब क्या करें, फिर नदी चढ़ गई, इस नदी को कैसे उतारें? तो कह ले तुम आई कैसे? तो कह लगे कि हमने उन्होंने कृष्ण ने ये कहा कि तुम नदी से जाके कहो कि अगर कृष्ण संपूर्ण योगेश्वर हो, साक्षात योगेश्वर हो, तो तुम उतर जाओ। तो वो उतर गई, समझ में तो आया नहीं हमारे। कह ले अच्छा तुम जाके नदी से कहो कि हमने घर आने खाने का एक इतना सा अन्न भी ग्रहण किया हो, एक कण भी ग्रहण किया हो, तो तुम कह दो कि उन्होंने एक भी अन्न का ग्रहण नहीं किया तो उतर जाएंगे नदी। इन्होंने जाके कहा कि ये ऋषि ने हमारे कोई भी अन्न का एक कण भी नहीं ग्रहण किया तो नदी उतर गई। उनका भी कुछ समझ में आया नहीं, सब खा गए और ऊपर से इन्होंने ग्रहण ही नहीं। और इनकी हम पत्नियाँ 16,000 पत्नियाँ वो थी, पाँच ये हम हैं और इनके कोई संग ही नहीं हुआ, ये कैसे क्या योगेश्वर है? समझने की बात है कि 16,000 श्री कृष्ण की शक्तियां हैं उनकी। हमारे भी, हम लोगों के सबके विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियां कार्यान्वित हैं। 16,000 16 उनकी पंखुड़ियां हैं। आप जानते हैं कि उनको 16 कला कहते हैं। विशुद्धि चक्र में 16 कला है। उसी तरह से जो यहाँ का प्लेक्सस है जिसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसके भी 16 है सब प्लेक्सस है। जैसे कि हमारे सटल में है वैसे हमारे ग्रोस में, जैसे हमें सूक्ष्म में वैसे हमारे जड़ में भी। और इनकी एक एक कला की 1,000, क्योंकि हमारे सर में जो सहस्त्रार है उसकी 1,000 नाड़ियां हैं और एक एक नाड़ी में कृष्ण की 16 नाड़ियां दौड़ती, तो 16,000 उनकी नाड़ियां हमारे अंदर यहां पर है। ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है आप समझे। इससे हमारे नाक, आँख का बाहरी हिस्सा, मुंह, कंठ, दांत, जिह्वा, स्किन, जिह्वा कुछ इसी से कार्यान्वित रहती, फॉरहेड भी। इसके अलावा ईगो और सुपर ईगो भी इसी से कंट्रोल होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है 16,000 नाड़ियों वाला
और श्री कृष्ण को धूमिल कहा गया है, धूमिल दिखाई देती, इसलिए उनको कृष्ण लोग कहते हैं काले धूमिल कलर के, नीला धूमिल कलर है उनका, और उनको धुआं बिल्कुल पसंद नहीं सिगरेट का, तंबाकू उनके बस की नहीं। अगर आपने तंबाकू खाई तो आपका ये गया, खाई तो और पेट गया, कुछ नहीं माता जी पान में थोड़ी सी मैं तंबाकू खाता हूँ, वैसे तो मैंने सब त्याग दिया। एक साहब आए, बहुत अच्छे हमारे सहज होंगे, बड़े शरीफ आदमी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं ये छोड़ो तंबाकू, ठीक नहीं है उससे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने तो भी कुछ उसका सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन आए मुझसे, कहने लगे माता जी बड़ी गड़बड़ हो रही। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी का मुंह मेरे अंदर बना जा रहा है, इतना बड़ा 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 बड़ा, और फिर छोटा हो जाता है। फिर मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुंह ऐसा होते जा रहा है। फिर कल मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता है। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो ना, तुम तंबाकू खाते हो कि नहीं? तो कहने मैं खाता हूँ। मैंने कहा कान पकड़ो आज, अगर तुमने फिर से तंबाकू खाई है तो फिर से तुम हनुमान जी बन जाओगे, तुम्हारा मुंह बिल्कुल हनुमान जी जैसे हो जाओगे। बेचारे बहुत सीधे सरल आदमी, हालांकि उन्होंने हजारों लोगों को पार किया बाद में, बहुत बड़े आदमी हैं वैसे, लेकिन एक तंबाकू पे अटके थे। देखिए ये मनुष्य की हालत होती, छोड़ी उन्होंने वो तंबाकू, गई। अब ये तंबाकू चीज़ जो है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये इंसेक्टिसाइड है, जो इंसेक्ट्स को मारता है वो हमारे सेल्स को भी तो मार ही डालेगा, और इतनी गंदी चीज़ है कि इसको खाने को किसने बताया था आपसे? पता नहीं कहाँ से समझ गए कि इसको खाने का, आदमी पता नहीं क्या क्या खाते रहता है, वो ये क्यों नहीं सोचता है कि ये कहीं लिखा है कि तंबाकू खाओ? तंबाकू खा खा करके जो हालत आपने अपनी कर ली है, सो कुंडलिनी तो उठती नहीं है, उल्टे आपके दुनिया भर की बीमारियां हो जाती। फिर सिगरेट, ये भी एक चक्कर है। इंग्लैंड में अब ये हालत हो गई है कि लोग लिख देते हैं कि भाई ये सिगरेट पीने से पॉइजन है, आपको कैंसर हो सकता है, लिख देते हैं तो भी लोग पीते हैं। उसमें चोरी छिपे, कोई भी लंदन आएगा तो हमसे कहेगा भाई यहाँ की बढ़िया वाली जरा हमें सिगरेट दे दीजिए, बस उससे हमारी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं तो देखते ही रहती हूँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े, जो आपके बहुत बड़े बड़े अफसर माने जाते हैं, वो लोग एक तो उनको विस्की चाहिए और एक उनको सिगरेट चाहिए। ये लोग क्या कफसरी करेंगे और ये क्या जन का कल्याण करेंगे, मेरी कुछ समझ में आता नहीं। ये तो इंसेक्टिसाइड है, इसको खाना और उसको पीना किसने बताया आपसे? भाई मैं बहुत से पूछती हूँ कि कौन से शास्त्र में लिखा है, ये बात आपको आश्चर्य होगा, ये गुरु तत्व के विरोध में बहुत बैठती तंबाकू। इससे पहले तो विशुद्ध चक्र पकड़ता है ये मैं मानती हूँ, पर बाद में नाभि के पास में ऐसा मैल बैठ जाता है, सिगरेट में जो कैंसर होता है, मैं तो कहती हूँ कभी कभी किसके आपको फिल्म्स बना के लोगों को दिखाने चाहिए। तो पहले तो वो आपकी यहाँ से नली काट देते या तो यहाँ छेद करते, फिर धीरे धीरे पेट की चीज़ें निकलती जाती, और इसका कैंसर इतना बढ़ता है जोर, क्योंकि विराट में आप सोचें कि जो उसका मुख्य स्थान है विशुद्धि चक्र, वही जब पकड़ गया तो सारे शरीर में वैसा कौनता है, और ये धुआं जो है लंग्स में ऐसे भर जाता है कि कुछ पूछे, बहुत ही डेंजरस चीज है। इससे अच्छा तो जहर खा के एक बार मर जाइए अगर आपको इतना ही मरने का शौक है, लेकिन ये ऐसे कट कट के जो आप मर रहे हैं ये क्यों मरते हैं बाबा? लेकिन कहने से नहीं होगा, ये भी मैं जानती हूँ, ये तो छूटना पड़ता है, वो भी सहयोग में ही घटित होगा, वो भी सहयोग का ही कार्य है। हमारे यहाँ मैंने बताया कि जो विदेश के लोग बैठे हैं इनमें से लोग कुछ कुछ तो ड्रग्स तक बहुत लेते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सब चीज़ रिलेटिव चलती है कि शराब से ड्रग अच्छा तो ड्रग लो, पर शराब इतनी गंदी चीज़ है उसको ही क्यों नहीं छोड़ देते? तो इनका रिलेटिव मामले में वो आए ड्रग पे, और सिगरेट तो सोचते बहुत ही सीधी चीज है, लेकिन ये इतनी घातक चीज है सिगरेट। और दूसरा ये कि इसलिए घातक है कि कम से कम शराब पीने के लिए आपको बोतल खोलनी पड़ेगी, उसके वो कुछ ग्लास वास लगेंगे,
लंदन में तो आपको उसका स्पेशल ग्लास, वो भी एक उन लोगों ने बनाया हुआ ट्रिक कि आपको ब्रांडी पीना है तो ऐसा पियो, वो पीना है तो ये पियो, जिससे उनके क्रिस्टल बेचे जाए यहाँ पे, हर एक का अलग अलग। शराबी पीने के लिए तरह तरह की चीज़, उसका भी बड़ा फ्रेंच में बड़ा शास्त्र है और बहुत उसको ऐसा बताया है क्या, हाँ जैसे इससे बढ़ के साइंस तो आज मनुष्य ने कोई बनाया ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी किताब लिखी और नाम भी ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, भगवान बचाएगा। और फिर उसके एक तरीके से पूछना और बातचीत करना, साहब आप क्या पीजिएगा, और ऐसे नखरे से, समझ में नहीं आता मेरे जैसे इंसान। लंदन में एक प्रथा है हाथ मिलाने की, वो ठीक है, मैं तो उसमें जागृति देती हूँ। जाते वक्त तो ठीक रहते हैं, जब रिसेप्शन में खड़े रहिए 500-500 आदमी हाथ के, मेरी तो जड़ें तोड़ डालते हैं, वो तब तो ठीक है, पर जब पी के आते हैं तो भगवान है बचा रखे। आप किसी से भी वहाँ बात पियाए बगैर कर ही नहीं सकते, क्या तमाशा है। और ये सिगरेट, अगर आपको किसी से बात करें तो आप सिगरेट ऑफर करें, नहीं तो आप बात नहीं, देयर इज नो कम्युनिकेशन। जब तक आप जहर किसी को नहीं दीजिए, मनुष्य का मनुष्य कॉम्बिनेट होता नहीं। क्या अकल है साहब इंसान की, मेरे जैसे इंसान को नहीं समझ में आती है अकल। फिर औरतों का सिगरेट पीना और भी कमाल है, साड़ी पहनेंगे बिल्कुल, नाक में नथनी भी लगाएंगे, आजकल वो भी चला, और ऊपर से सिगरेट, कैसा मेल बिठाए। कुछ समझ नहीं आता कि अपनी संस्कृति में कभी औरतें सिगरेट पीती थी क्या। हाँ कह ले नेपाल में वो देहात में लौटते पीती, अब आप वो होने जा रहे हैं क्या, आप क्या अब जंगली होने जा रहे हैं। कह ले वो आदिवासी, अब क्या आदिवासी होने वाले हैं आप लोग क्या, क्योंकि आदिवासी ऐसे करते थे, अब आप आदिवासी हो जाइए। वहां बहुत से लोग इंग्लैंड में तो खासकर कि अब हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। हमने कहा प्रिमिटिव हो ही नहीं सकते, अशक्य है, क्योंकि आपका दिमाग ही प्रिमिटिव नहीं हो सकता, तो आप भूत होंगे, प्रिमिटिव नहीं होंगे। भूत जैसे बाल बढ़ा लिए खूब ऐसे एकदम, उन पे भूत ही बैठेंगे कि नहीं बताइए। भूत देखते रहते कि हमारा जैसे कौन घूमता है उनको ही पकड़ेंगे भूत। अरे भाई कायदे से कपड़े पहन के जाओ तो भूत भी भागेगा। आप अगर शराबी होंगे तो आपके ऊपर एक शराबी आके बैठ जाएगा, और आप इतनी शराब पियेंगे कि आपको पता नहीं। आप अगर स्मोकिंग करते हो तो सिगार पीने वाला आ जाएगा, हाँ आपको पता नहीं, ये भी होता है। अब जब सिगार पीने वाला आपको अगर सिगार नहीं मिली तो आप खत्म, कुछ मजा ही नहीं आने वाला जिंदगी का, सारी जिंदगी आप रोते रहेंगे कि हमें सिगार ही नहीं मिली, सिगार पे आपकी सारी जिंदगी। और कितनी डेंजरस चीज़ है इसको आप समझ लें कि शराब पहले अंग्रेज इतना सा पीता था, तीसरे जनरेशन में सब लोग पब में मरेंगे। अपने देश में भी ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, एक बार किसी के चढ़ जाए, आप किसी भी अफसर को खरीद सकते हैं, मिनिस्टर को खरीद सकते हैं, अगर वो शराबी है। कमजोरी इतनी कमजोर चीज होती है, इतनी कमजोरी इंसान के अंदर डाल देती, बहुत कमजोर कर देती इंसान, क्योंकि उसको आप खरीद सकते हैं एक बोतल पर। मुरारजी भाई कहते हैं करूंगा, पता नहीं कब शुरू करने वाले हैं। आप लोग उनके खिलाफ इतनी इतनी बातें लिखते हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे कि कहने लगे उससे और भी बूट लेगिंग होगा, होगा दो दिन होगा फिर खत्म हो जाएगा, मरने दीजिए। अरे ऐसे तो मरने ही वाले, बूट लेगिंग से मरने दीजिए, कल्याण होगा उनका भी और हमारा। और एक्सप्लेनेशन और लोग देते हैं, किससे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ने वाला, एक जनरेशन में नहीं, दो जनरेशन में, तीन जनरेशन में बिल्कुल लोग शराब छोड़ देंगे। शुरू तो करके देखिए, हमसे तो अच्छे पाकिस्तानी है जो डंडे लगाते हैं। औरतों की दुर्दशा हो जाती है, घर की दुर्दशा हो जाती है। हमारे पति एक ऑफिस चलाते थे, उसमें उन्होंने पता नहीं, वो बहुत सोशलिस्टिक हो गए, तो उन्होंने ड्राइवरों की तनख्वाह 1000 रुपये कर दी। उनकी बीबी आई हमारे पास में 4-5 महीने में, कह लेंगे क्या साहब ने कर दिया, आफत कर दी। मैंने कहा क्यों, पहली चीज़ शराब, दूसरी चीज़ औरतें, और तीसरी चीज़ ये हो कि अब घर पे आते ही नहीं, कुत्ते ही पे पड़े रहते, मोटरें इनकी दबा दब टूटने लगे दफ्तर की, और उनके बच्चों को खाने को नहीं, बोतल घर में आई और बच्चे भूखे मरे। उससे अच्छा कहने लगे साहब 1000 रुपये देने के अलावा ये करते कि हमारे बच्चों के एजुकेशन का पैसा दे देते, कुछ और फायदा कर देते, रुपया दे दिया हो गया। अब ये रुपया के लिए लड़ते हैं ना सब लोग, तनख्वाह बढ़ाइए, किसी की मत बढ़ाना, शराब पियेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मैं आपसे बता, इनको और कुछ दीजिए, इनको घर दीजिए, कपड़ा दीजिए,
पैसा भी तो उठाना आना चाहिए। किसी नौकर को आप ज्यादा पैसा दे दीजिए, बड़े आप दया धर्म करके उनके ऊपर उपकार करें, आप देखिए ना आपके छक्के पंजे छोड़ा दे जो कही। लक्ष्मी को भी तो स्वीकार्य करने में एक डिग्निटी होनी चाहिए, कोई प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। रुपया पैसे से आप कभी नहीं इंप्रूवमेंट कर सकते, उनको खाने को दीजिए ठीक है, लेकिन उनको भिखारी मत बनाइए। भिखारी को आपने चवन नहीं दी, वो सिनेमा का टिकट लेके बैठ गया, देख लीजिए। इसलिए पैसे का भी संतुलन समझना चाहिए कि जिस पैसे से इस तरह की गंदी चीजें खरीदी जाती हैं, उसके वितरण से या उसके वृद्धि से कोई देश समृद्ध नहीं होगा। समृद्ध तो मनुष्य से होता है। अभी हमारी जो एक कल्पना है कि अगर हम अपने देश को ऐसे डेवलप कर लें, आपके पास सिवाय प्लास्टिक के और कुछ नहीं आ सकता। उनके पास है क्या? पत्थर। समृद्ध मनुष्य को होना चाहिए। आदमी एक एक बादशाह होना चाहिए, खुद बादशाहत होनी चाहिए, जैसे कृष्ण थे कि गोपों में और जंगलों में गैया चराते, और राजा थे सोते थे जमीन पर और बादशाह थे। ऐसी बादशाहत होनी चाहिए तबीयत की, ना कि इन प्लास्टिक की चीजों की। जो आदमी चीजों के पीछे में भागता है और हीरे जवाहरातों के पीछे में दौड़ता है और दूसरों को नोचता खसोटता है, इससे बढ़ के भिखारी और दरिद्री कौन हो सकता है? ये दरिद्रता का लक्षण है। एक संतोषी जीव जो होता है वो असल में बादशाह होता है। ऐसी बादशाहत हमारे भारतीयों की होने में कोई भी समय नहीं लगने वाला। जरा सी और नजर करें कि जिन्होंने इतना पाया भी है वो आज कहाँ बैठे हैं। श्री कृष्ण के अनंत उपकार इस संसार पे हैं, महान उपकार उनके संसार पे, कि उन्होंने अवतार ले करके और हमारे अंदर ये चेतना भरी कि हमें परम को पाना चाहिए और परम ही को स्वीकार करना चाहिए और उसी की सत्ता और शक्ति में पनपना चाहिए, और उनको शरण जाने से हमारी विशुद्धि पूरी तरह से खुल जाती है और हम एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। उन्हीं को वंदन करके हम अब ध्यान करेंगे।